नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। डीआरडीओ ने रिसेंटली एक बड़ा कारनामा कर दिया है और भारत की मिसाइलों की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है और एक ऐसे उपकरण का सफल परीक्षण भारत ने कर लिया है जिससे भारत की मिसाइलें पहले से कई गुना घातक बनकर दुश्मन पर वार करेंगी। तो इस उपकरण के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सुरक्षा के मामले में भारत लगातार नए आयाम छू रहा है और इसी क्रम में शुक्रवार को देश को एक और बड़ी सफलता मिली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का फ्लाइट टेस्ट कर लिया है और अच्छी खबर यह है कि ये परीक्षण बेहद सफल रहा है और इस तकनीक से भविष्य में भारत की मिसाइलों के और भी ज्यादा ताकतवर हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। डीआरडीओ ने SFDR का सफल फ्लाइट परीक्षण कर लिया है। DRDO की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक ये परीक्षण शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे हुआ है और दरअसल ये एक तरह का बूस्टर इंजन है जो कि मिसाइल को और ज्यादा ताकतवर बनाने में मदद करता है। सुरक्षा में बेहतर उपकरणों के अलावा भारत स्वदेशी भी तेजी से अपना रहा है और ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक है। DRDO की तरफ से किए गए एक ट्वीट में बताया गया कि ग्राउंड बूस्टर समेत सभी सिस्टम्स ने अपेक्षा के अनुरूप ही काम किया है और रैमजेट तकनीक के इस्तेमाल के बाद मिसाइल की ताकत में बहुत ही ज्यादा इजाफा होने वाला है। बताया यह जा रहा है कि यह मिसाइल की रफ्तार को और तेज कर देगा और इतना ही नहीं, तकनीक के इस्तेमाल के बाद दुश्मन की ओर बढ़ती हुई मिसाइलों से आवाज भी नहीं आएगी और साथ ही इसके आसमान में उड़ते वक्त धुआं नजर नहीं आएगा, यानी कि आवाज और धुएं के ट्रेस के जरिए दुश्मन के लिए मिसाइल का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये रैमजेट टेक्निक DRDO को लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल तैयार करने में मदद करेगी। दोस्तों, सीमा पर भारत पड़ोसी मुल्कों से तल्ख रिश्तों का सामना कर रहा है। ऐसे में देश में लगातार सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का काम जारी है और इसके मद्देनजर भारत बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल तैयार कर रहा है और इन मिसाइलों का नाम है अस्त्र। इस मिसाइल में गति ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अस्त्र Mark 2 4.5 मैक की रफ्तार से हमला करती है और मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अस्त्र Mark 3 में यह रैमजेट इंजन लगने वाला है। दोस्तों, रैमजेट वायु स्वास्थ्य जेट इंजन का एक रूप होता है। किसी भी मिसाइल की स्पीड बढ़ाने के लिए अब रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। भारत की सबसे तेज मिसाइल ब्रह्मोस में भी यही इंजन लगा हुआ है और इसकी मदद से मिसाइल की स्पीड 3 गुना तक तेज हो जाती है और अगर किसी मिसाइल की क्षमता 100 किलोमीटर दूरी की है यानी कि रेंज 100 किलोमीटर दूरी तक है तो उसे रैमजेट इंजन की मदद से 320 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ मिसाइलों को घातक बनाती है बल्कि उसकी रेंज भी इंक्रीज कर देती है और साथ ही साथ स्पीड तो इंक्रीज होती ही है। इसके अलावा नॉइस प्रोडक्शन बहुत कम होता है जिससे कि दुश्मन को अप्रोच होती हुई मिसाइल की आवाज सुनाई नहीं देती। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये और भारत के लिए बहुत ही यूजफुल भी है। तो DRDO के सभी साइंटिस्ट को हमें शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं और यही अपेक्षा करते हैं कि आगे भी पूरे देश के लिए ऐसे काम करते रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।